जो भी बंदा आए पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, सब कुछ बाइक को चला के देखे, हर जगह चेक कराने का उसको अथॉरिटी है। और किसी चीज के लिए भी हमारे जो डेविल किंग वाले भैया प्रिंसिपल जी, आप मना नहीं करोगे भाई, किलर है। 2013 से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और 16 में बंद हो गई थी और 17 में आ गया था Z900, जिसने किया था Z800 को रिप्लेस। दोस्तों वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर सिंह पे। आज हम दिखाने वाले हैं Z800 आप सभी लोगों की डिमांड पे। भैया इस बाइक की इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, आप ये मान के चलिए अगर नेकेड है कोई बाइक तो इस बाइक को लोग बोलते हैं कि भैया Z800 दिलवा दो भैया कहीं से भी, ठीक है। तो हम भी सोच रहे थे भैया Z800 कहाँ से दिलवाए, क्योंकि Z800 जैसे ही मार्केट में आती है वैसे ही उड़ जाती है। अभी आपको हम सब कुछ बताएंगे कहाँ पे ये बाइक हमारे को मिला, क्या इसका सब कुछ है। बट उससे पहले आपको पता है कि सिनेमैटिक्स में दिखाता हूँ, सिनेमैटिक्स दिखाने के बाद एक छोटी राइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि राइड पे ले जाने से बाइक की कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। दोस्तों बाकी इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक चीज़ कह देता हूँ ताकि एंड के लिए आपको वो ना रहे, कहीं से भी आप बाइक ले, चाहे वो मेरे रेफरेंस से ले या फिर किसी और के रेफरेंस से ले, आप बाइक के पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक करो हर जगह से, कहीं से भी लो। बाकी यार ये जो है ना, ये जो लोग हैं जिनके पास ये है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और यहाँ से ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बाइक ले जा चुके हैं। हालांकि आप सबने उनकी वीडियोस देख ली होगी तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ से बाइक ले जा चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी डिलीवरी का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ, तो जो वो देखना चाहता है तो फटाफट शेयर करें। और एक और चीज़, सब कुछ स्टार्ट होने से पहले मुझे ये बताओ भैया कि Z800, Z900 और Z1000 यानी Z1000, ये जो Z सीरीज़ की बाइक है, इससे पहले भी आया करता था एक Z750, इन सब में से आपका फेवरेट बाइक कौन सा है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इंतज़ार किसका है भाई, ले चले बम्ब को। चले थोड़ा सा बखा ले, फिर बातें करते हैं। रश हो गया यार, लग ही नहीं रहा कि कोई वायरस वायरस है कोरोना वायरस। मैंने लगा कोरोना वायरस है, लोग घर से कम निकल रहे होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे फुल रश है, जितना होता है रेगुलरली उतना ही है, कोई वो नहीं है। भगाएं क्या बोलते हो, थोड़ा सा भगा लेते हैं। लोग मतलब बहुत अच्छी स्पीड है और बाइक भी बहुत अच्छा है। कैसी लगी पावर, नेक्स्ट लेवल भयंकर लगी कि नहीं लगी, बात कर लेते हैं यार इसके बारे में। एक तो इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी है कि मैंने हेलमेट के अंदर लगाया हुआ है माइक, फिर भी मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं आवाज़ आएगी कि आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर आवाज़। सुनो यार आए दिल आ जाता है भाई, बहुत बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास Z800 रह चुका है, जैसे अपने JS पाजी है उनके पास Z800 था, अपने जेट प्रभजोत जी है उनके पास Z800 था, और भी बहुत सारे हैं, मतलब कितने नाम लूँ, क्योंकि बहुत यार पॉपुलर ये बाइक है आप सभी को पता है। एंड ये जहाँ से ये बाइक मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जिनसे, उनको अभी काम खोले हुए कम टाइम हुआ है, ठीक है, वो भी नए नए हैं करोलबाग की मार्केट में, बट यस उनके
यहाँ से बहुत सारी डिलीवरीज हो चुकी है, बाइक्स कस्टमर ले चुके हैं। और अब कस्टमर की होती है एक अलग बात, और कोई यूट्यूबर ले जाए आपके पास से बाइक तो उसकी होती है अलग बात। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देख रहे होंगे आजकल उन्होंने भी वीडियोज डाली है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी डीलर घर नहीं ले जाना। और एक और चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि आपको बाइक घर ले जाना है, आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, Z800, Z900 या फिर Z1000। देखते हैं यार, टोल एक तरह का पोल करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन जीतता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक और राउंड तो हमने बहुत मार दिया घूम के। एक तो गर्मी बहुत है ना यार, राइडिंग का इतना मज़ा नहीं आ रहा। राइडिंग का मज़ा आता है सुबह या शाम के टाइम, इस टाइम बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो ऐसा करते हैं फटाफट चलते हैं वापस। दौड़ाया बाइक को, बाइक की ब्रेक्स चेक करी, बाइक की हैंडलिंग चेक करी, अलाइनमेंट चेक होती है यार एक तरह से, बाइक की सब कुछ चेक किया। बाइक एक नंबर क्वालिटी में रखा गया है। बस मुझे बाइक के बारे में ये पता है भैया कि 2016 रजिस्टर्ड है। बाकी जो भी है हम बात करेंगे डेविल किंग्स के ओनर, दो ब्रदर्स हैं उनमें से एक ब्रदर जो अपनी जान है। भैया एक बार आ जाओ, कैसे हो आप? सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। हमारा जो अपना कल्चर है वो सामने आ गया है, जो इंडियन कल्चर है इस कोरोना वायरस की वजह से। वो भी बंदा आए पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, सब कुछ बाइक को चला के देखे, हर जगह चेक कराने का उसको अथॉरिटी है। और किसी चीज़ के लिए भी हमारे जो डेविल किंग वाले भैया प्रिंसिपल जी, आप मना नहीं करोगे? भैया वो तो मैं खुद ही बोलता हूँ, आप तो ये चीज़ बोल रहे हो, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भैया पेपर देखो, डॉक्यूमेंट देखो, बल्कि इवन इसकी जीरो टैप इंश्योरेंस भी है मेरे पास। जीरो टैप इंश्योरेंस आपको साथ में दूंगा, ठीक है। तो वैलिड इंश्योरेंस है, वो भी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार मास्क खोल के अपनी शक्ल दिखा दो, मैं पीछे हो जाता हूँ, बाद में कहीं मुकर देते। देख लो भाई शक्ल, ये बंदे ने बोला सब कुछ की फुल गारंटी ली है। जीरो टैप इंश्योरेंस है, 2016 मॉडल, 16 रजिस्टर्ड, दोनों चाबियाँ, ठीक है भैया। जीरो टैप इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस करा के कोई भी नहीं देता, पर मैंने यहाँ पे ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस वाली बाइक ही मिले। अच्छा। कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी में कस्टमर को प्रोवाइड करा, ये बंदे को ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। बिल्कुल लेने का खर्चा एक रुपया ना करना पड़े, सिर्फ पेट्रोल भरा है और गाड़ी चला है, ठीक है भैया। आप सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक तो भैया जो जनता है, सबसे पहले तो यार एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, करोल बाग आने से डरो मत, ठीक है। करोल बाग बहुत बड़ा मार्केट है भैया। और सेकेंडली, जब से मैंने काम स्टार्ट किया था, आई वॉज सर्चिंग अबाउट G800 कि मेरे को बाइक मिल जाए। अच्छा। और लोग 14 मॉडल की भी 6 लाख ऐसे उल्टे सीधे प्राइस मांगते थे। अच्छा। बट मेरे को आज जाके इतनी गर्मी में इतनी गर्म बाइक मिली है। चलिए ये सबसे हॉट बाइक है आज। अच्छा ये बताओ भैया मुझे, आप ये जो G800 है ये कौन से ईयर का मॉडल है? ये 2016 का मॉडल है और 16 का रजिस्टर्ड, ठीक है। 16 मॉडल 16 रजिस्टर्ड है। आप सबको बता दूं 2016 में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई थी, मतलब ये मान के चलिए कि Z800 का ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। जी हाँ, Z800 में, इसके बाद 2017 में Z900 ने इसको कर दिया था रिप्लेस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और 2013 से ये मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हुई थी, इससे पहले आती थी Z750। अच्छा पाजी, हमारे को ये बताओ इन फ्यूचर क्या Z900 भी अवेलेबल होगी आपके पास? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा पाजी, अब मुद्दे पे आते हैं, कितने किलोमीटर चली है ये? भैया ऑन रिकॉर्ड चली है 18,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है 1800 किलोमीटर। हाँ जी, 18,000 18,000 किलोमीटर, ठीक है। 18,400 समझ गया हम, वो तो चलो चलता है। और मेरे को ये बता दो, पाजी की नहीं है ये सेकंड ओनर है? सेकंड ओनर दिल्ली है, मतलब जो बंदा इसको, ये देखो झूठ बोल के गलत बोल के फायदा नहीं। मार्केट में कई लोग दावा करते हैं पर मैं चुप रहता हूँ, मैं दावा नहीं करता। दावा करने की फायदा नहीं भैया, जो चीज है वो अपने आप दिख जाएगी। अच्छा, और अगर कोई ऑल इंडिया में अपने नाम पे ट्रांसफर करवा के ले जाऊंगा? बिल्कुल ले जाओ भैया, बिल्कुल ले जाओ। ट्रांसफर फीस आपकी होगी उसमें, ऑल इंडिया किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर करानी है
ट्रांसफ़र आपके नाम हो जाएगी, नंबर दिल्ली ही रहेगा। अगर आपको दिल्ली से ट्रांसफ़र कराना नंबर, तो RTO वगैरह सब आपका होता है, इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। या हमारा हमें कोई मतलब हमने कुछ भी पे नहीं करना, वो आपका कंसर्न है। ठीक है भैया, हमने जो बाइक दिया, रेट दिया, आपको दिल्ली के हिसाब से दिया। अगर आपको अपने हिसाब से तो कुछ कराना है, NOC तो बनवा, बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। NOC के लिए 28 नंबर फॉर्म होता है, वो भी मेरे पास है, ट्रांसफ़र के लिए होता है, वो भी है, हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है। मेन मुद्दा क्या प्राइस है इसका? आस्किंग भी है 6,20,000 रुपये आ जाती है, सेवा वाला प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। और इंजीनियर सिंह के सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा ऑन टेबल क्या 6,20,000 बिल्कुल रीजनेबल वैसी प्राइस मांग रहा हूँ। बल्कि मैं खुद लेने जब बाइक गया था तो 14 मॉडल के कस्टमर मेरे से 6,00,000 मांगते थे। आपको जैसे कि अभी मैंने बताया ना वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया जी, 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 कि जब से मैंने 2-2.5 महीने से काम स्टार्ट किया है जी, जी, तब से मैं बाइक ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को Z800 मिल जाए, क्योंकि डिमांड बहुत थी जी, और किसी और से बाइक लेने में ना इतना ट्रस्ट नहीं आता, नहीं आता। इतना कॉन्फिडेंस आता है। 2.5 महीने से तो ज्यादा ही टाइम हो गया पाजी, क्योंकि मैंने वीडियो डाली। क्वारंटाइन को नहीं गिन रहे ना? चलो ठीक है, इसका प्राइस मांगा है पाजी ने 6,20,000 रुपए फॉर दोस पीपल हु आर फ्रॉम साउथ एंड दे डोंट नो हिंदी, उनके लिए बता दूं इट्स 6,20,000 रुपीस और किलोमीटर विद जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। और किलोमीटर क्या बताए थे? किलोमीटर सर इसके 18,000 चले हैं, 18,400 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स। और आपको इनका नंबर, इनका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार फिर से थैंक यू आपका, इस तरह के बाइक्स लाते रहिएगा। और मेन ये होता है कि कस्टमर जो भी आया उसको अच्छे से ट्रीट करना, चाहे वो चीज़ ले, बाइक ले या ना ले, वो बाइक परचेज़ करें या ना करें, हम अच्छे से अपनी तरफ से पूरे ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई कस्टमर मेरे को कहते हैं मैं इधर गया उधर गया, तो मेरे को अच्छे से उन्होंने ट्रीट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं पाजी, बाकी हमें किसी का हमें कुछ लेना देना, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं दोस्तों। मेरे हिसाब से तो एज अ कस्टमर आपको भी किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। सिर्फ आओ, बाइक की कंडीशन देखो, बाइक की कंडीशन अच्छी है, डॉक्यूमेंट अच्छे है, रेट अच्छा दे रहा है, इंश्योरेंस आपको मिल रही है, टायर ब्रांड न्यू मिल रही है, ब्रेक सब बिल्कुल बढ़िया मिल रहे हैं, और चाहिए क्या? और चाहिए क्या? बंदा थोड़ी घर ले, प्रिंस पाजी के घर में जाओगे? स्टॉक एग्जॉस्ट भी है, स्टॉक एग्जॉस्ट भी दोगे साथ में? साथ में देंगे यार, हमें देंगे। इसकी एग्जॉस्ट की आवाज किलर है, किलर। वैसे तो आप लोग सुन चुके हैं, एक बार कस्टम एग्जॉस्ट लगा भी है, ये भी झूठ नहीं बोलूंगा, कस्टम एग्जॉस्ट, कस्टम एग्जॉस्ट, कस्टम। एक बार इसकी आवाज सुना दो पाजी, थोड़ा दूर रखता हूँ यार इसको, नहीं तो ना बहुत जोर से आती है माइक, थोड़ा दूर रखता हूँ, असली आवाज नहीं आती। भाई किलर है, किलर। बहुत ही भयंकर आवाज आ रही थी। जाते जाते आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ यार, मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैं गुड़गांव से आ रहा था दिल्ली वीडियो बनाने के लिए, बंदे हेलमेट नहीं पहन रहे, हेलमेट घर पे रखे हुए, मास्क पहन रहे, क्योंकि पुलिस वाले आजकल ज्यादा पूछ नहीं रहे। भैया हेलमेट आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है, पुलिस वालों को चालान कटवाने के लिए नहीं होता, ठीक है। और ये जो मास्क आप लोग पहन रहे हो ना, ये मास्क आपको क्या लगता है इससे आप बच जाओगे एक्सीडेंट होगा? तो नहीं बचोगे यार, हेलमेट पहनो। हेलमेट मास्क का काम कर सकता है, क्योंकि हेलमेट ब्लॉक होता है आगे से, बट ये मास्क जो है ये हेलमेट का काम नहीं कर सकता। प्लीज़ वेयर योर प्रॉपर राइडिंग गियर्स। घर पे कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए पूरी सिक्योरिटी, आराम से बाइक चलाओ यार, किस बात की जल्दी है, इंजॉय करो। मेरे हिसाब से तो यार जब खाली रोड मिले भगाओ, मैं भी भगाता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत भगाओ भैया आराम से चलो, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर बाइक ले रहे हो तो भगाओगे यार, बट प्रॉपर गियर्स पहनो और सब कुछ प्रॉपर रखो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।